आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज तुलसी और शालिग्राम, जो भगवान विष्णु के रूप में माने जाते हैं, का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह की एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानी है। इस कथा को सुनने के अनेकों फल बताए गए हैं। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसका पति जालंधर बहुत बलशाली असुर था। उसने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। देवतागण भी बहुत परेशान थे। अपनी वीरता के मद में चूर जालंधर माता लक्ष्मी को पाने हेतु युद्ध करता है, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जालंधर की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति छिन्न हो गई और वह युद्ध में मारा गया। वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दिया। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को माफ कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। उसकी राख से तुलसी का जन्म हुआ, जिससे तुलसी और शालिग्राम का विवाह हुआ और तब से तुलसी और शालिग्राम का विवाह इस दिन कराया जाता है।